विवादों के बावजूद इंडिया में ब्लॉकबस्टर हो चुकी द केरल स्टोरी अब इंटरनेशनल थिएटर्स में भी रिलीज हो चुकी है। शुक्रवार को द केरल स्टोरी अमेरिका और कनाडा की 200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो गई। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि ये फिल्म एक मिशन है जो सिनेमा की क्रिएटिव बाउंड्री से बढ़कर है। एक वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंडो अमेरिकन रिपोर्ट से सेन ने कहा, केरल में काफी लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे को देश नकारता आ रहा था। द केरल स्टोरी एक मिशन है जो सिनेमा के क्रिएटिव बाउंड्री से भी बढ़कर है, एक मिशन है जिसे पूरी दुनिया में जनता तक पहुंचाना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा, इस फिल्म का मुद्दा जनता से छुपा कर रखा गया था और अब ये सामने आना डिजर्व करता है। हमने पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए फिल्म बनाई है। द केरल स्टोरी तीन लड़कियों की कहानी कहती है जिनका धर्म बदलाकर उन्हें आतंकी संगठन ISIS में ज्वाइन करवा दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा, ये एक बहुत बोल्ड, ईमानदार और सच्ची फिल्म है जिसे शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन आज ये 6 दिन की शानदार बॉक्स ऑफिस कामयाबी के बाद वर्ल्ड वाइड रिलीज की कगार पर खड़ी है।